अब हमें सड़कों पर निकलना है और हम निकलेंगे। अब इन्हें हमारी मांग माननी पड़ेगी। मांगने से सिर्फ भीख मांगती है, अधिकार छीन कर देने पड़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार 78 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें, कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिससे नाराज होकर अभ्यर्थियों ने 7 दिन का समय प्रशासन शासन को दिया था कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर यानी शिक्षक दिवस के अंदर अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो एक महा आंदोलन होगा। तो आइए आपको दिखाती हूँ उस महा आंदोलन की एक झलक। देख सकते हैं आप कि जो इको गार्डन है, राजधानी लखनऊ का जो इको गार्डन है, वो इस समय अभ्यर्थियों और भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो समर्थक हैं, उनसे भरा हुआ है। लगातार ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको अभ्यर्थी और भीम आर्मी के लोग नजर आ रहे हैं, जो लगातार इन अभ्यर्थियों का समर्थन भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी था, किस तरीके से आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा था, आज जो भारी संख्या है जैसा आप लोगों ने कहा था वो देखने को भी मिल रहा है, तो क्या इको गार्डन के बाहर जाने की भी तैयारी है? एक वक्त होता है किसी चीज़ का इंतजार करने का। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस भरी जो है धूप में, दोपहरी में, बारिश के मौसम में इतने लोग अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं और 80 दिन होने को हम लोगों के यहाँ पे, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद रास्ता क्या बचता है? हम बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश करेंगे। अंदर नहीं सुनाई दी, शायद सड़क पर सुनाई दे, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक निश्चित समय हमने दिया था, उससे भी ज़्यादा आधे घंटे पूरे हो गए हैं, अब हमें सड़कों पर निकलना है और हम निकलेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा था कि एक बड़ा जत्था देखने को मिल सकता है, उस पर आपका दावा एकदम साफ यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या इको गार्डन के बाहर जाने की भी तैयारी है? देखिए, ओबीसी एससी संयुक्त जो मोर्चा है, उनका जो आदेश होगा, 2 बजे तक का समय, अगर उनका आदेश हुआ कि बाहर जाना है, विधानसभा घिराव करना, विधानसभा घिराव करेंगे। उनका आदेश हुआ राजभवन का मुख्यमंत्री और विवास करें तो वो करेंगे, जो वो आदेश देंगे वो करेंगे। आज हम लोग किसान, ये जो भर्ती अभ्यर्थियों के सहयोग में 78 दिन हो गए उन्हें बैठे हुए, सरकार को दलित पिछड़ों के बाद नहीं सुनाई दे रही है। ये दलित पिछड़ों वर्ग के लोगों के लिए डूब मरने की बात है। उनको, जिनकी 75% आबादी है, उनको कमजोर आंकना गलत। इन्हीं दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस सरकार को बनाया था, यही उखाड़ देंगे अगर मुख्यमंत्री ये सोचते हो कि आप ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, तो वो मूल सूची जारी करें जिसमें आपने दलित पिछड़ों को उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया। तो जैसे आपने जो जो वादे किए थे वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, तो क्या 2022 में तो इसका असर भी पड़ने वाला है, लेकिन अगर आज भी इन लोगों ने मांगे पूरी नहीं की तो आगे क्या हो सकता है? अन्याय होगा तो उसका जवाब भी दिया जाए। अन्याय हुआ, हम किसी का अधिकार नहीं मांग रहे, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे, लेकिन बहन जो हमारा हिस्सा बैठता है, जो संवैधानिक अधिकार हमारा बैठता है, वो हमें चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो अधिकार भी सरकार हमें नहीं दे रही, तो इनका दलित और पिछड़ा नकली प्रेम वो उजागर हो गया। अब अगर दलित पिछड़े वर्ग के लोग तैयार हो गए, तो इस सत्ता में बैठे लोग जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री वो भी इसी वर्ग से आते हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनको भी यही कह रहा था कि भाई, आप तो हमारे परिवार के हैं, पिछली बार तो भाजपा ने आपके नाम पे वोट मांगा था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन जो अधिकार हमारा बैठता वो दिलाने में तो मदद करो। लेकिन वो वहाँ व्यक्तिगत तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समाज की बात नहीं कर सकते, इसलिए नुकसान हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि उनको पिछड़े दलितों की तकलीफ दिखाई देगी। तरीके से पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप लोगों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो जब आप लोग बाहर जाने का प्रयास करेंगे, रोका गया, तो क्या हो सकता है? मैम, अब इससे ये साफ पता चल रहा है कि अब सरकार हमारी बात, आवाज को दबाना चाह रही है, क्योंकि उसने चोरी की है, चोरी करने की सजा वो जानती है। इसका शायद प्रावधान है, मुझे इतना नहीं पता है कि आरक्षण चोरी का शायद 10 साल की सजा है। अब सरकार अपनी साख बचाने के लिए हम लोगों के ऊपर तानाशाही कर रही है, और वो तानाशाही करे या लाठी चलाए या डंडे चलाए, हम लोग रुकने वाले नहीं। आज हम देख रहे हैं, अगर सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही, तो कल से हम लोग सड़कों पर निकलना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद क्या नतीजा होगा, उसके जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी। बस यादव जी,
जिस तरीके से ये जत्था बढ़ता चला जा रहा है, जैसे अभी भाई ने बताया कि कल सड़कों पर भी उतर सकते हैं, तो जो जत्था जितना बड़ा है, क्या आगे और भी ज्यादा बड़े लोग, ज्यादा लोग आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो हमारे साथ में ये जो जत्था है, आज 6 तारीख का आह्वान हुआ था, आज हमें अभी देखना था कि हाँ सरकार आगे कर क्या रही है। हमने एक टाइम दिया था, वो टाइम बीत गया है। 2 दिन पहले भी उन्होंने बुलाया था, 7 लोगों की डेलीगेशन हमारी मिलने गई थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 तारीख का धरना जो है टालने की बात की गई थी और कुछ देने की बात नहीं हुई थी। जबकि उनको खुद पता है आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है, उनको रिपोर्ट लागू करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और आज के दिन जो ये आपको दिख रही है भीड़, कल के दिन इससे दुगनी भीड़ दिखाई देगी यहाँ पर। और जहाँ तक बाहर कूच करने का सवाल है, तो हो सकता है वो कूच आज ही हो जाए। क्या कहेंगे? ये जो निकम्मी सरकार है, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खाकर बैठी है, और ये जो गले की हड्डी इनकी बनी हुई है, इन्होंने जो आयोग बनाया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है दलितों और पिछड़ों के पक्ष में। आरक्षण चोरी का इनके ऊपर इल्जाम लग चुका है, इल्जाम बिल्कुल सही लग चुका है, उसका हमारे पास प्रमाण है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रमाण दिया है। अब इन्हें हमारी मांग माननी पड़ेगी, और अगर हम गलत होते तो मैं बता देता हूँ कि यह इतनी तानाशाही सरकार है कि हमें यहाँ एक दिन नहीं बैठने देती। आज 78 दिन हो गया है, अब इनके गले की हड्डी बन गया है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। लेकिन हम लोग भी तय करके आए हैं कि जब तक आप उगलेंगे नहीं, हमें नौकरी नहीं देंगे, हमारा आरक्षण नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ बने रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे सर, इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, इतनी भारी भीड़ हो गई है, क्या उम्मीद लगती है कि आप सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी? हम लोगों की कोशिश यही है मैम, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप हमारा अनवरत 78 दिन से मुद्दा उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि अगर ये हमारा हक हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे अपना ये आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन हम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मीटिंग थी, तब प्रमुख सचिव जी मीटिंग में ये आश्वासन दिए, केवल आश्वासन दिए जाते हैं जब चरम पे रहता है हम लोगों का आंदोलन, जैसे ठंडियों में हुआ था, तो ये हम लोगों कोई ना कोई गोली देके मीठी गोली भेज देते हैं घरों पे। तो इस बार हम लोगों ने सामने बैठ के प्रशासन के उनको खुद आश्वस्त किया कि हम लोग ये मीठी गोलियों से नहीं जाएंगे, हम लॉलीपॉप नहीं जो है हमको चाहिए, और हम लोग नियुक्ति पत्र के हकदार हैं, तो नियुक्ति पत्र इस बार लेके जाएंगे, अदरवाइज हमको कुछ भी मंजूर नहीं इसके सिवा। तो ये आंदोलन हमारा तब तक चलेगा, और इससे विकराल आंदोलन होगा जब तक हमारा नियुक्ति पत्र हमको नहीं मिल जाएगा। क्या कहेंगी मैम, कहाँ से आए? सीतापुर से आए। कब तक यहाँ रहने का विचार है? इतने लोग हैं, घर से दूर है, आंदोलन सरकार मान नहीं जाती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग 2.5 साल से वेट कर करके परेशान हो चुके हैं, हम लोगों को कितनी मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी? धूप बारिश सब चीजें बर्दाश्त करते हुए हम लोग कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? आप कब तक नहीं सुनेंगे? हमारी हद होती है हर चीज की, आप लोग चुनना ही नहीं चाहते, इस तरह से नहीं होता। हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, अब हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे? जब तक मैम हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम अभी हमारी संख्या 15,000 है, अगर हमें हमारा आज न्याय नहीं मिलता है तो इससे दुगनी संख्या कल होगी। क्या कहेंगी? सरकार से यही कहना है कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे, और आरक्षण पे जो भी घोटाला किया है ध्यान दें। जैसा कि आपने देखा, हमारी बात अभ्यर्थियों से भी हुई, इसके साथ भीम आर्मी प्रमुख से भी हमारी बात हुई, उन सबका यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर आज भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, अगर इनकी मांगे आज के आज पूरी नहीं की गई तो कल जो ये 15,000 की संख्या है, ये 30,000 भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी कहा कि ये जो अन्याय हो रहा है, इसी तरीके से अगर अन्याय होता रहा तो अन्याय के खिलाफ ये जो जंग इन लोगों ने शुरू की है, ये आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शुभांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।